दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक इन दिग्गज चेहरों पर नजर रहेगी। कमलनाथ, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत पर लगातार सभी की निगाहें होंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है दिल्ली में 10 बजे और इन तमाम चेहरों पर वहां पर नजर बनी रहेगी। कमलनाथ, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल पर निगाहें टिकी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी में अहम बातें इनके मुख से सामने आएंगी। लंबे वक्त से इनकी तरफ से भी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाए जाने को लेकर कई दफा कहा गया, अब सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है तो इन तमाम चेहरों पर लगातार नजर होगी। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, इन चेहरों पर नजर इसलिए भी क्योंकि बार बार इनकी तरफ से कई दफा ये कहा गया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जानी चाहिए, ये जरूरत भी है जो तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, अब इन्हीं पर निगाहें टिकी रहेंगी। आज देखिए, आज की बैठक में चार मुख्य मुद्दों पर निगाहें टिकी रहेंगी। पहला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर वो उनको बोलने का मौका मिलता है, मिलेगा ही, वो क्या कहते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री से ज्यादा वो एक सेनापति के रूप में, सोनिया गांधी के सेनापति के रूप में वो पहुंच रहे हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि सीडब्ल्यूसी का जो आज एजेंडा है वो सबके सामने है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और पांच राज्यों के चुनाव है, उससे बड़ा है कि करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कांग्रेस, जिसमें G23 को एड्रेस करना है, उसको खत्म करना है, उसको क्रश करना है, उसको नस्तनाबूद करना है। इसके लिए माना जा रहा है कि कल अंबिका सोनी और अशोक गहलोत की करीबन 2.25 घंटे की बैठक चली, क्योंकि पार्टी को कमजोर बाहरी ताकतों से ज्यादा अंतर जो कला चलती है वो कमजोर करता है। और सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहती कि जब ये मौका है कि कमान अब एक्चुअल में राहुल गांधी के हाथों में जा रही है और राहुल गांधी फैसले लेने लगे हैं, उस समय पार्टी में इस तरह की आवाजें उठे। और शायद यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी बुलाई गई है, इतने बड़े स्तर पर बुलाई गई है, किसी को फोन ले जाना अलाउड नहीं है। और तमाम वो सीनियर लोग हैं और तमाम वो सोनिया गांधी के विश्वस्त लोग हैं, और अब ये साफ कर दिया जाएगा कि कोई भी पार्टी लाइन से अलग या आलाकमान से विपरीत बातें करेगा उसे पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा। तो आज कुछ मुख्य ऐसे मुद्दे हैं। तो दीपा, आपने कहा निगाहें टिकी रहेंगी अशोक गहलोत पे, निगाहें टिकी रहेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस की प्रक्रिया जाहिर तौर पर इसमें फाइनल कर दी जाएगी, जो कोई एक साल का समय होता है या अगले साल तमाम चीजें, निगाहें टिकी रहेंगी उस रुख पर। और राजस्थान के लिहाज से निगाहें टिकेंगी क्योंकि रघु शर्मा पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें राजस्थान से कई और चेहरे शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज की सीडब्ल्यूसी बैठक पे पत्रकारों की, खुद देश भर में सीडब्ल्यूसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और जाहिर तौर पर अपोजिशन की भी निगाहें टिकी होंगी कि क्या कुछ फैसला होता है और क्या आखिरकार राहुल गांधी, जिनको रिलक्टेंट ब्राइड कहा जाता है, वो अब क्योंकि अब ऐसे फैसले लेने गए लगे हैं, कल जब सिद्धू उनसे मिलने गए थे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया, तो अब पीछे से तो वो काम कर रहे हैं पर क्या आगे आकर खुद जिम्मेदारी लेते हैं और उसमें क्या कुछ रहता है, तो बहुत माना जाएगा कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और 10 बजे शुरू होगी, 2 बजे तक चलेगी, ऐसी सबको। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।